हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री डिसीजन को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम जो डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक्स वो हैं आपके एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आपके पेपर के लिए भी और अगर आप नेट जीआरएफ प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ठीक, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और अब आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं मैं वहाँ पर रेगुलरली पोस्ट करके बता देती हूँ आपको। और अगर आपको कोई क्वेरी भी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ अब आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे असेंबली के बारे में, या फिर इसको कहा जा सकता है असेंबली ऑपरेशंस के बारे में। ठीक, सो टिपिकली असेंबली इज द लास्ट स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिपेंड्स ऑन द रेडी सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चर पार्ट्स टू बी शिप्ड फ्रॉम अनदर कंट्री। अंडर असेंबली मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स और इंग्रीडियंट्स आर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज असेंबल्ड इन द फॉरेन कंट्री। असेंबली यूजुअली इन्वॉल्व्स हैवी यूज ऑफ लेबर रादर देन एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल आउटलेज और इक्विपमेंट्स। Under assembly strategy, most of the components or ingredients are produced domestically and the finished product is assembled in the foreign country. तो हमने अपने पिछले वीडियो में एक चार्ट डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे एंट्री मोड्स कैसे डिसाइड किए जा सकते हैं, राइट? तो अगर आप उस चार्ट को याद करिए या अगर आपके पास अभी बुक रखी हो तो उस बुक में देखिए एक बार। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस टाइम पे जो सूटेबल एंट्री मोड होता है वो कौन सा होता है? एक्सपोर्टिंग होता है, राइट? नेक्स्ट अगर बात करूं, जहां पे आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, किसमें? अपने मार्केटिंग अरेंजमेंट्स में, लेकिन प्रोडक्शन में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप कौन सा एंट्री मोड यूज कर सकते हैं? लाइसेंसिंग यूज कर सकते हैं, फ्रेंचाइजिंग यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, राइट? तो असेंबली इसीलिए लास्ट स्टेज है इसमें। ठीक, अब असेंबलिंग में क्या होता है, जो भी बिजनेस यूनिट है वो अपने प्रोडक्ट को डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसमें जो मैक्सिमम कंपोनेंट्स लगे रहते हैं वो डोमेस्टिक मार्केट के होते हैं, लेकिन उसका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो फॉरेन कंट्री में जाके असेंबल किया जाता है, फॉरेन कंट्री में जाके उसको लगाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूँ, इंटरनेशनल मार्केट में भी हम एंट्री ना लें, तो जिस टाइम पे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ट्रेंड में थे उस टाइम पे क्या होता था, असेंबल्ड डेस्कटॉप ज़्यादा चलते थे। ठीक है, मैंने खुद असेंबल्ड डेस्कटॉप ही लिया था। अच्छा, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि असेंबल्ड डेस्कटॉप क्या होता है, लेकिन हाँ बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि व्हाट डस असेंबल्ड डेस्कटॉप मीन्स, मतलब कि हमने सिर्फ एक ही कंपनी का ही अपने जो सिस्टम है उसमें प्रोडक्ट्स नहीं यूज किए, जिस कंपनी के मुझे प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे लगे वो मैंने अपने जो मेन प्रोडक्ट है उसमें उसको असेंबल्ड करवाया, उसमें लगवाया। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होता है कि आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाते हैं। हो सकता है जिस कंपनी का आप सीपीयू ले रहे हैं, हो सकता है उसका जो मॉनिटर स्क्रीन है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे कंपनी की मॉनिटर स्क्रीन को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये असेंबलिंग का कहीं ना कहीं फायदा होता है कि आप चीजों को रिप्लेस भी कर सकते हैं और बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। इन सेवरल केसेस पार्ट्स और कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरियस कंट्रीज इन ऑर्डर टू गेन ईच कंट्रीज कंपैरेटिव एडवांटेज एंड लेबर इंटेंसिव असेंबलिंग इज कैरिड इन अनदर कंट्री वेयर लेबर इज अबंडेंट एंड लेबर कॉस्ट आर लोअर। इट अलाउज द कंपनी टू बी प्राइस कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट चीप इम्पोर्ट। तो अभी हमने डिस्कस किया था अपनी डोमेस्टिक मार्केट का सिनेरियो। ठीक, अब अगर मैं फॉरेन मार्केट की बात करूं तो ये असेंबलिंग क्यों की जाती है इसको समझिए। देखिए, हर एक कंट्री का किसी ना किसी चीज में कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। ठीक,
किसी कंट्री के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, किसी कंट्री के पास लेबर ज्यादा है। तो जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स बना पाएगा, वो भी चीप रेट पे। ठीक, अब जिस कंट्री के पास लेबर ज्यादा है और लेबर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनने हैं तो वहां पे वो प्रोडक्ट चीप रेट पे बन पाएगा, राइट। तो यहाँ पे कंट्रीज क्या करती हैं, एक दूसरे के कंपैरेटिव एडवांटेज का कहीं ना कहीं फायदा उठाती हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट है मेनली वो डोमेस्टिक मार्केट में ही बनता है, लेकिन जो उसका फिनिश प्रोडक्ट है वो कहाँ असेंबल होता है, फॉरेन कंट्री में। वो इसीलिए असेंबल होता है फॉरेन कंट्री में क्योंकि वहां पे असेंबलिंग कॉस्ट उसकी कम आएगी, वहां पे अगर प्रोडक्ट फिनिश फॉर्म में बनेगा तो वो चीप रेट में बनेगा इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, अब ये असेंबलिंग आपको किन प्रोडक्ट्स में ज्यादा देखने को मिलेगी, ऑटोमोबाइल्स में और फार्म इक्विपमेंट्स में। ठीक है, इन सिमिलर फैशन कोको कोला शिप्स इट्स सिरप टू फॉरेन मार्केट्स वेयर लोकल वाटर प्लांट्स एट द वाटर एंड द कंटेनर। अब कोको कोला क्या करता है, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, जो सिरप है, उसको शिप करता है वो दूसरी फॉरेन मार्केट में। ठीक है, अब उस फॉरेन मार्केट में बॉटलिंग प्रोसेस होता है और उसको प्रॉपरली कंटेनर में स्टोर किया जाता है, मतलब सिरप के साथ वाटर मिलाया जाता है और जो एक कंटेनर आता है जिस बॉटल में आती है उसमें उसको स्टोर करके देन वापस से भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोको कोला का जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो उसका सिरप है, वो कहाँ बन रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में, राइट। लेकिन इसका जो फिनिश प्रोडक्ट है, जिस कंटेनर में कोको कोला आती है, वो कहाँ से बन के आ रहा है, फॉरेन मार्केट से बन के आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा असेंबलिंग का मतलब। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो असेंबलिंग द प्रोडक्ट meant for foreign market in that foreign country itself has certain other advantages besides the cost advantage. ठीक है, तो cost advantage को छोड़ के भी और different advantages होते हैं assembling के, देख लेते हैं क्या है। The import duty is normally low on the parts and components than on the finished products. अब जो कंट्री अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में भेज रही है, शिप कर रही है ताकि वो एक प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट में बन के आ जाए, तो वो इसीलिए कर रही है क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव वे है। ठीक है, उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं से रिड्यूस हो रही है। ठीक, अब आप मुझे बताइए, अगर कंपनी प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में भेज सकती है और वहां पे अपने प्रोडक्ट को असेंबल करा सकती है, तो क्या वहां पे पूरा प्रोडक्ट बनवा नहीं सकती है, बनवा सकती है, राइट। लेकिन जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी कंपैरेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो इसीलिए पूरा प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में नहीं बनवाती है, सिर्फ उसकी असेंबलिंग करवाती या उसको फाइनल टच दिलवाती है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल कंसिडर करें तो इंडिया के पास लेबर अबंडेंट में, ठीक है, तो इंडिया ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें उसको लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो क्या वो ये प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में बनवाएगा, नहीं बनवाएगा, राइट। तो जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है वो बन गया हमारी कंट्री में, लेकिन अब लास्ट में उसको एक अच्छी शेप देने की जरूरत है या लास्ट में उसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो कि टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडिया लैक करता है, तो वो क्या करता है उस टाइम पे, पूरा प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको फॉरेन मार्केट में भेज देता है ताकि वो एक प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट में बन के आ जाए, और जब ये फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है तो इंडिया वापस वो प्रोडक्ट ले लेता है और अपने मार्केट में सेल करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो असेंबली ऑपरेशंस वुड सैटिस्फाई द लोकल कंटेंट डिमांड एट लीस्ट टू सम एक्सटेंट। अब हमने ये भी डिस्कस किया कि जो प्रोडक्ट है मेनली वो कहाँ बन रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में, और जो प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें लोकल कंटेंट भी अवेलेबल होगा, राइट। लास्ट पॉइंट है इसका, बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन द फॉरेन गवर्नमेंट्स एटीट्यूड विल बी मोर इन फेवर देन इम्पोर्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अब इसका लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में प्रोड्यूस करवाते, प्रॉपरली मैन्युफैक्चर कराते, तो क्या हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाता, नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिट है उस कंट्री के लिए जो प्रोडक्ट को अपनी डोमेस्टिक मार्केट में मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी ये मानना है कि प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करना इज कंपैरेटिवली चीपर अगर हम फिनिश प्रोडक्ट को वहां से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अनदर एडवांटेज इज दैट द इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन द फॉरेन कंट्री इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन विद द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। द
द पॉलिटिकल रिस्क ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज दस नॉट मच। तो ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि असेंबलिंग में जो कंपनी है उसको प्रोडक्शन में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ कहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, अपने मार्केटिंग अरेंजमेंट्स में, राइट। तो यहाँ पे भी कंपनी को कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता तो हैवी मशीनरीज को इंस्टॉल करना पड़ जाता जो कि काफ़ी कॉस्ट आ जाती है। जब काम कम कॉस्ट में हो सकता है तो उसके लिए अपनी कॉस्ट को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब हमने अगर फॉरेन मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया तो हमें कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो भी कम रहेगा, जो रिस्क इन्वॉल्व है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अब असेंबली प्रॉपरली समझ में आ गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। वैसे तो हमने काफ़ी एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं असेंबली ऑपरेशंस के, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो माउस मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है और इसकी प्रॉपरली पैकेजिंग एंड ऑल की जा रही है। तो ये भी क्या है, असेंबली का एक एग्जांपल है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं हम जॉइंट वेंचर के बारे में। तो अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो एंट्री मोड डिस्कस किए उसमें हमने क्या बात करी कि जब कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती फॉरेन मार्केट में तो वो एक्सपोर्टिंग के थ्रू एंट्री ले सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती लेकिन वो अपनी मार्केटिंग अरेंजमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है तो वो कौन से मोड यूज करेगी, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, ठीक है। और लास्ट फेज में जहाँ पे कंपनी फुल फ्लेज इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है प्रोडक्शन और मार्केटिंग में, आप उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है, या फिर मैं कहूँ उस क्राइटेरिया को सबसे पहले क्वालिफाई करता है, वो है हमारा जॉइंट वेंचर, ठीक। सो जॉइंट वेंचर इज अ वेरी कॉमन स्ट्रेटेजी ऑफ एंटरिंग द फॉरेन मार्केट। अंडर जॉइंट वेंचर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर शेयर्ड बिटवीन अ फॉरेन फर्म एंड अ लोकल फर्म इन कंट्रीज where fully foreign owned firms are not allowed or favored, joint venture is the alternative. JV, which means joint venture, permits a firm with the limited resources to enter more foreign markets. Further, the local partner would be in a better position to deal with the government and public. So basically joint venture kya hota hai, jab ek ya ek se zyada organization, ek agar hum baat kare local firm ho sakti hai aur ek hamari foreign firm, जब ये एक साथ आ जाते हैं और बिजनेस करते हैं तो इसको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे वो पूरी तरह से फॉरेन ओन फर्म्स को एंट्री नहीं देती हैं, ठीक। तो जब फॉरेन फर्म्स को किसी मार्केट में एंट्री लेनी है तो उन्हें कोई लोकल फर्म के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, एक जॉइंट वेंचर बनाने की जरूरत पड़ती है ताकि वो उस कंट्री की भी मार्केट को कैप्चर कर सके, ठीक है। और इस जॉइंट वेंचर से कहीं ना कहीं लोकल फर्म को भी फायदा होता है क्योंकि वो एक फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लेती है, और इस फॉरेन कंपनी को भी फायदा होता है, क्यों, क्योंकि जब वो किसी मार्केट में एंट्री ले रही है और उसके साथ अगर लोकल फर्म है तो उसको मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज है। अब लोकलाइट को ज्यादा नॉलेज रहती है अपनी जगह की इन कंपैरिजन टू कोई अगर फॉरेन से आ रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज वो फॉरेन फर्म भी ले सकती है, तो एक तरह से ये म्यूचुअल है, दोनों को ही कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट में फायदा होता ही है, ठीक है। बोथ द पार्टनर्स ब्रिंग इन देयर एक्सपर्टाइज इन डिफरेंट एरियाज दैट हेल्प इन रियलाइजिंग द सक्सेस ऑफ द वेंचर। बोथ द पार्टनर्स कैन स्पेशलाइज इन देयर पर्टिकुलर एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज। द फॉरेन इन्वेस्टर बेनिफिट फ्रॉम द लोकल मैनेजमेंट टैलेंट एंड नॉलेज ऑफ द लोकल मार्केट्स एंड रेगुलेशन। देखिए, सबसे बड़ा फायदा जॉइंट वेंचर का ये है कि जो भी कंपनीज इस जॉइंट वेंचर में आ रही हैं, दो हैं या दो से ज्यादा कंपनीज हैं, उनकी एग्जिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहती है, ठीक है, क्योंकि हर कंपनी किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट है, उनके पास एक्सपर्टाइज या तो नॉलेज है या किसी के पास टेक्नोलॉजी है या किसी के पास ऐसे रिसोर्सेज है जिनके थ्रू प्रोडक्शन जल्दी हो सकता है और इफेक्टिव हो सकता है, ठीक। तो हर कंपनी के पास अपनी एक्सपर्टाइज है और उनकी आइडेंटिटी इसी वजह से कभी भी लूज नहीं होती है, और जो बाकी पार्टनर कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, इस चीज का फायदा कहीं ना कहीं उठाती हैं, ठीक। अभी हमने जैसे की बात करी कि अगर हम सिर्फ दो ही कंपनी माने, एक लोकल फर्म है हमारी और एक फॉरेन फर्म है, तो फॉरेन फर्म लोकल फर्म का बेनिफिट उठाएगी ना, क्योंकि उसको पता है कि जो लोकल फर्म है उसको पूरी नॉलेज है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस पता है, मार्केट की डिमांड पता है, जानता है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो इजिली मार्केट को कैप्चर कर सकती है, राइट। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं।
अब आपने सोनी एरिक्सन के बारे में सुना होगा, तो ये क्या है, एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है, जिसमें सोनी कॉरपोरेशन और स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन एक साथ आई थी। ठीक, अब यहाँ पे आप नाम से समझ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सोनी एरिक्सन, मतलब कि किसी भी कंपनी की अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ कि एरिक्सन का ही पूरा टेक ओवर हो गया या फिर सोनी ने ही पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया। ठीक, तो ये चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि जब भी कोई कंपनी जॉइंट वेंचर में आती है तो उसका नाम भी उसके साथ रहता है, ऐसा नहीं होता है कि उस कंपनी का नाम खत्म हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे अगर हम जॉइंट वेंचर के और एग्जांपल्स को कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं आईसीसीआई लोम्बार्ड है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, और बताऊं तो पीएनबी मेटलाइफ है, एचडीएफसी अर्गो है, तो ये सब क्या है, हमारे जॉइंट वेंचर है। ठीक, अगर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो एसबीआई क्या है, एक बैंकिंग सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन है, और जनरल इंश्योरेंस इंटायरली डिफरेंट है, लेकिन क्या हुआ, ये जॉइंट वेंचर बना। ठीक है, अब एसबीआई भी जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने लग गया, ऐसे ही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी है, ऐसे ही पीएनबी मेटलाइफ भी है, एचडीएफसी अर्गो भी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया जॉइंट वेंचर। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। अब देख लेते हैं हम एडवांटेजेस जॉइंट वेंचर के। ठीक है, सबसे पहला है बेनिफिट फ्रॉम लोकल पार्टनर्स नॉलेज, तो ये हमने डिस्कस ही किया था अभी कि जो फॉरेन फर्म है उसको कहीं ना कहीं लोकल पार्टनर की वजह से बेनिफिट होता है, क्योंकि उसको लोकल मार्केट की पूरी नॉलेज हो जाती है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेयर्ड कॉस्ट और रिस्क विद द पार्टनर। अब जब जॉइंट वेंचर है, जब इन्वेस्टमेंट भी साथ में हो रहा है, तो जो रिस्क भी है वो भी ये लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो एक पार्टनर के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा इस चीज का। ठीक, ये तो बहुत इजी पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिड्यूस्ड पॉलिटिकल रिस्क। अब जब फर्म्स जॉइंट वेंचर में आती हैं, ठीक है, अगर हम कंसिडर करें एक हमारी लोकल फर्म है और एक हमारी फॉरेन फर्म है, तो लोकल फर्म के आ जाने से जॉइंट वेंचर में काफी फायदा होता है। ठीक है, एक तो पहली बात हमको मार्केट की नॉलेज भी हो जाती है, फिर उस कंट्री के जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनकी भी हमें प्रॉपर नॉलेज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व रहता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका पोटेंशियली ग्रेटर रिटर्न्स फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेशन एज अपोज टू रॉयल्टी। देखिए, कोई भी फॉरेन फर्म है, अगर वो कोई लोकल फर्म को ये अथॉरिटी दे देती है कि आप मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, मेरे ब्रांड नेम को यूज कर सकते हैं, मेरी टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं, तो वो उसके बदले क्या चार्ज करती थी, रॉयल्टी चार्ज करती थी या फीस चार्ज करती थी। ठीक है, लेकिन जब वही फर्म अगर जॉइंट वेंचर में आ जाती है किसी कंपनी के साथ, किसी लोकल फर्म के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, उसका प्रॉपर पार्टिसिपेशन होता है। ठीक, अब जब वो फर्म के साथ प्रॉपर पार्टिसिपेशन में आ गई, तो इक्विटी रिटर्न्स का बेनिफिट वो भी उठा सकती है, जो कि कहीं ज्यादा होता है अगर हम रॉयल्टी से कंपेयर करें, है ना। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया इसके एडवांटेजेस। अब इसके डिस्कस कर लेते हैं हम डिसएडवांटेजेस। सो पहला डिसएडवांटेज हमारा रिस्क गिविंग कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी टू पार्टनर। अब अगर कोई फॉरेन फर्म लोकल फर्म के साथ जॉइंट वेंचर बनाती है, तो उसको अपनी टेक्नोलॉजीज को भी लोकल फर्म के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर अपनी टेक्नोलॉजी को उसने लोकल फर्म के साथ शेयर करनी पड़ गई, तो उसका जो कंट्रोल था पूरी तरह से वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, जो कि फॉरेन फर्म के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। राइट, और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि फॉरेन फर्म है तो उसके पास ही अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, हो सकता है जो लोकल फर्म है उसके पास और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इन कंपैरिजन टू फॉरेन फर्म, तो ये दोनों के ही सिनेरियो में काम करेगा। ठीक है, दोनों के ही एस्पेक्ट में ये बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है दे ऑल्सो इन्वॉल्व ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज। अब जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है और उतने ज्यादा रिसोर्सेज को मैनेज करने की भी जरूरत है। राइट, तो ये भी कहीं ना कहीं एक रिस्की फैक्टर है, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो भी ज्यादा होता है ना। लास्ट पॉइंट है इसका शेयर्ड ओनरशिप कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, जॉइंट वेंचर में जो भी फर्म्स आती हैं वो एक कोलैबोरेटिव वे में काम करती हैं, फुल कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओनरशिप भी रहती है वो कैसी रहती है, शेयर्ड ओनरशिप रहती है। ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं होता है जॉइंट वेंचर में कि किसी कंपनी के पास स्टेक ज्यादा है तो वो डोमिनेट करेगी। राइट, दोनों ही अपनी जगह एक बराबर प्लेटफॉर्म पे होती है। ठीक है, क्योंकि किसी कंपनी पास अपनी कुछ एक्सपर्टाइज है, किसी कंपनी के पास कुछ अपनी एक्सपर्टाइज है, इसी वजह से तो उन्होंने कोलैबोरेट किया है या जॉइंट वेंचर बनाया है। ठीक,
अब इस शेयर्ड ओनरशिप की वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा सेशन यहीं तक था, ठीक है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके आगे के एंट्री मोड्स, और अब कोशिश करूंगी कि वो आपका फाइनल वीडियो हो और ये आपकी यूनिट भी उसमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।